हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल केके टू ब्लॉग। सो आज ना मैं जा रहा हूँ म्यूजियम, फिर उसके बाद मंदिर। सो लेट्स देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली मैं और म्यूजियम पहुंच गया। अभी म्यूजियम के अंदर आ गया, टिकट भी हो गया। अभी देख मस्त है ना, अभी पूरा म्यूजियम घूमते देखते अंदर से भी। तो फाइनली मैं अंदर से भी बाहर आ गया। थोड़ी देर बैठे मैं कुछ खाया भी था, खा लेते थे। तो मेरे को सबसे अंदर का जो देखा है गया तो क्या मेरे को उसकी नॉलेज नहीं था। तो मैं म्यूजियम से बाहर निकल गया। अभी मैं जाने वाला था गलताजी टेम्पल, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे पीछे से जगह दिख रहा है आप लोगों को, वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर शूटिंग होता है, मूवी का शूटिंग होता है या सीरियल सबका शूटिंग यहीं पर होता है। अभी भी चल रहा है किसी का, इसका पता नहीं मेरे को। चलो चलते हैं, सीरिया कर दी है वही देखते आते हैं। तो मैं इधर आ गया चिड़ियाघर में, और मेरे सामने ही हिरन आ गया। मैं अकेला आ गया पीछे। तो नेक्स्ट अभी देखते। तो आज मेरा मंदिर का प्लान क्या होगा पता नहीं,
ये मतलब ठीक शाम रोड के रोड क्रॉस करते ही ये था, तो मैं सर आ गया तो ये भी देख लो एक बार। तो अभी देखते कितना टाइम लगता है यहाँ पे, अगर ज़रा टाइम नहीं लगेगा तो मंदिर का प्लान भी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छा है, जो टिकट का प्राइस होता है ना वो बहुत ही कम है। अभी सिर्फ जू का टिकट प्राइस था सिर्फ 22 रुपये और म्यूज़ियम का टिकट प्राइस था सिर्फ 52 रुपये, 52 रुपये, सबका 50 रुपये, 52 ऐसा ही है। टिकट प्राइस बहुत कम है। वहाँ पर सिर्फ मगरमच्छ ही दिखा है अलग अलग जाति का, तो अभी आगे बढ़ते क्या दिखते हैं। तो यहाँ पर फिर से मोर दिख रहा है रुपी का, ऑस्ट्रिच, फिर से मगरमच्छ आ गए इधर के। मुंह खोल के बैठा हुआ है। यही था चिड़ियाघर, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही था। तो लक्ष्य भी घूमना हो गया, अभी तो 5 बजने वाले तो टेम्पल का निकल जाते हैं, जब तक घूमना होगा तो फिर बैठ जाते हैं ऐसे। तो फाइनली मैं गलताजी टेम्पल पहुंचने वाला हूँ। वो मेरे पीछे ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो है, लेकिन दिख रहा है लेकिन घूम कर यहाँ से कितना दूर घूम कर जाना पड़ेगा। हम पूरा पहाड़ के ऊपर लगभग पहुँच ही गया। ये मैंने सुना कि ये मतलब बहुत पुराना टेम्पल है, लगभग 400 साल पुराना है, तो वही मैं भी देखने जाता हूँ। और यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आता, मतलब ऐसे पर्सनल बाइक वगैरह आता है, लेकिन जो आप रैपिडो या फिर जो बुक करेंगे वो लोग नहीं आएगा, तो मेरे को पैदल ही आना पड़ा। सो लेट्स देखते हैं क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली पहुंच गया गाइस, लगभग पहुंच गया है।
सो गाइस, मैंने गलताजी टेम्पल लगभग पहुंच गया। वहाँ पर भी एक है, लेकिन वो सूर्य मंदिर है, गलताजी का तो सूर्य मंदिर है। और मेरे को लगभग 5 से 10 मिनट तक नीचे जाना पड़ेगा, एकदम पहाड़ी के नीचे। यहाँ का पहाड़ी का रास्ता भी चलेगा, फिसल जाता है फिर। तो मैं नीचे जाकर देखता हूँ कैसा है। तो जो ओरिजिनल मंदिर है वो नीचे देखो, वो वहाँ पर। लेकिन यहाँ अभी शाम ढलने को है, बहुत लंबा दूर है अभी भी। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अंदर जाओ कि ना जाओ, लेकिन जाना पूरा पहाड़ी रास्ता है, गाड़ी भी नहीं चलता। वो है नीचे से, मेरे से इतना जूम हो सकता है, मैं कर दिया और नहीं होगा। देखिए वो नीचे है मंदिर, लेकिन मेरे को ये पूरा इधर से जाना पड़ेगा। और पूरा रात होने को आया तो पूरा रात होने को आया तो मैं जाना कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पहुँचते पहुँचते पूरा लगभग अंधेरा हो जाएगा और मेरे को वापस भी जाना पड़ेगा, वैसे बहुत दूर है। तो मैं तो इधर से प्रणाम कर लेता हूँ, मैं तो नहीं जा पाऊँगा नीचे। अगर नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगा मैं। इधर लाइट्स वगैरह भी ऑन हो गया, लगभग अंधेरा होने वाला है। ऊपर से पूरा पहाड़ी जंगल है, कोई घर नहीं है, क्या नहीं, तो रिक्स नहीं ले सकते। मैं ऊपर से मैं अकेला आया ना, सही सही। सो गाइस, मैं लगभग अभी और 20 से 25 मिनट के अंदर रूम पहुंच ही जाऊंगा। तो अभी यहां से बस लेंगे और फिर पहुंच जाएंगे। तो आज का था बस यही था, और मंदिर घूमना और यही था, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था। सो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा या बुरा जो भी हो आप ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं कहाँ पर प्लानिंग होता है, नेक्स्ट जगह कहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर जयपुर में घूमने के लिए बहुत सारा बहुत है, पूरा कंप्लीट करने का लगभग 25 दिन तो लग ही जाएगा, 20-25 दिन अगर रोज़ घूमने जाओ तब भी, क्योंकि यहाँ पर कितना घूमो गया। लेकिन एक बात सही है, यहाँ पर घूमने के लिए जो टिकट का प्राइस होता है वो बहुत ही कम होता है। हाँ, लेकिन हालाँकि जो अगर आपका खुद का पर्सनल बाइक या फिर कुछ नहीं है तब बढ़ जाता है भाड़ा, क्योंकि गाड़ी का भाड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो आप लोगों को एक ही सोल्यूशन मतलब ये आइडिया दूंगा, अगर आप लोग सिंगल मैरिज से अगर अकेला घूमते हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, मतलब पहले ना आप अपने मोबाइल पे रैपिडो चेक कीजिएगा। इस जगह पर तो रैपिडो है ऑलरेडी, जयपुर में है, तो रैपिडो में प्राइस चेक कीजिए। फिर वहाँ से प्राइस चेक करने के बाद वहाँ पे प्राइस देखिए कितना है, अगर प्राइस जितना है उससे थोड़ा कम करके लोकल से पूछ लीजिए, ऑटो रिक्शा या कुछ भी हो, तो आराम से आपका रैपिडो से कम पैसे में हो जाता है। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है वहाँ पर मतलब ऑटो वगैरह नहीं जाता, तो आपको पैसा पे करना ही पड़ेगा रैपिडो को उतना। तो आप लोग भी घूमने आइए, बहुत अच्छा जगह है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।